बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ 17th टर्म ऑफ NAP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7 पॉइंट द कॉमन डिफरेंस। एक AP है आपकी, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हम यहां पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। ये हमें दिया गया है, 17th टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू 7। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी है आपका कॉमन डिफरेंस। ये हमने मान लिया, ए 17 में ए 10 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू 7 लिख दिया। ए 17 हम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 17 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, माइनस ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। अप्लाई कर दें, 16D हो जाएगा माइनस यहां पे a प्लस 9D बचेगा इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन करें, a प्लस 16D माइनस a माइनस 9D इक्वल टू 7, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7, b इक्वल टू मिल जाएगा 1। यही हमारा आंसर है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम बता देंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी का जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। हम मान लेते हैं, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब हमने जो माना है उसी को हम एलजेब्रिक फॉर्म में लिख देंगे, इक्वेशन बना देंगे। हम ये कह रहे हैं, nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि अगर हम nth टर्म लिखें an और 54th टर्म लिख दें a54, तो जो nth टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो अगर हम 132 54th टर्म में जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। साफ साफ कहा गया है, nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो चाहे हम nth टर्म में 132 सब्ट्रैक्ट करें तब दोनों बराबर होंगे, या 54th टर्म में 132 जोड़ दें तो ये पूरा क्वांटिटी an यानी nth टर्म के बराबर हो जाएगी। अब हम an की वैल्यू जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54th टर्म की वैल्यू जानते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 इक्वल टू दिया गया है 3। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दें, 15 माइनस 3 12 हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। तो इस इक्वेशन में हम लोग a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 12 लिख देते हैं। देखिए, a की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ d की वैल्यू रिप्लेस करना है, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 54 माइनस 1 53 इंटू 12 प्लस 132। ये a और a कैंसिल हो गया, दोनों साइड है इक्वल टू साइन के दोनों ओर लिखा हुआ है, तो a से a कैंसिल हो गया, हमने सिर्फ d की वैल्यू लिख दी है 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12 राइट साइड में इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63 प्लस 132, ऐड कर दें 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768, तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 6 जा 72, r 4 बचा 48, 12 4 जा 48, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1 यानी n हमें 65 मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। हमने माना था कि nth टर्म 132 ज्यादा है 54 टर्म से, तो हम आंसर बता देंगे, देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये हमारा आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, दो एपी दे दी गई हैं, उन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जो उनके फर्स्ट टर्म में डिफरेंस होता है वही उनके हर एक टर्म में डिफरेंस होता है। मान लीजिए, अगर दो एपी आपको दे दी गई, उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 10,
तो उनके हर एक टर्म में, सेकेंड टर्म में भी 10 का डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म में भी 10 का डिफरेंस होगा। कब होगा? जब उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। हम मान लेते हैं लेट a1 एंड a2 आर द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस टू ab और सेम कॉमन डिफरेंस हमने इनका d मान लिया है। अब हमें दिया गया है, इट इज गिवन दैट इनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। गिवन दैट डिफरेंस ऑफ 100th टर्म इज इक्वल टू 100। अगर हम पहली एपी का 100वां टर्म निकालें और दूसरी एपी का 100वां टर्म निकालें, उन दोनों को घटाएं तो हमें 100 मिलता है। हम निकालेंगे 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू 100। ये हमें दे दिया गया है। फर्स्ट एपी का 100th टर्म, nth टर्म हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 100th टर्म हो जाएगा a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट एपी का हमने फर्स्ट टर्म a1 माना है, कॉमन डिफरेंस d माना है, तो a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म हमने a2 माना है प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है d इक्वल टू 100। इन ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन कर दें तो a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d हमें मिल जाएगा इक्वल टू 100। 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल गया a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। a1 माइनस a2 इक्वल टू 100 का मतलब है कि इन दोनों APs के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। अब हमें इन दोनों APs के 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ बोथ APs, इन दोनों APs के 1000th टर्म का डिफरेंस, फर्स्ट एपी का 1000th टर्म हो जाएगा a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमें निकालना है। देखिए फर्स्ट एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म a1 रहेगा, कॉमन डिफरेंस d रहेगा। सेकेंड एपी में भी 1000वां टर्म निकाला है तो फर्स्ट टर्म a2 रहेगा, कॉमन डिफरेंस d रहेगा। इन ब्रैकेट्स को ओपन करें तो a1 प्लस 999d माइनस यहां मिलेगा a2 माइनस 999d। 999d 999d दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें वैल्यू मिली सिर्फ a1 माइनस a2 की, और a1 माइनस a2 हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल दिया है 100। तो हमने पहले ही जान लिया था कि ऐसी कोई भी दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनके जो फर्स्ट टर्म डिफरेंस होता है वही उनके हर एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस होता है। हमने देख लिया फर्स्ट टर्म में डिफरेंस 100 था, 1000 टर्म में भी डिफरेंस 100 आया और 100 टर्म में भी डिफरेंस 100 आया। दोनों एपीज के हर एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें 100 ही मिलेगा। हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ बोथ एपीज इज 100।